हेलो दोस्तों, सी यू ई टी 2022 सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ और अभी तक ऑलमोस्ट काउंसलिंग जो है एंड हो चुकी है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक 45% ऐसे स्टूडेंट हैं इंडिया के अंदर जिनकी संख्या तकरीबन आप मान सकते हो 3 लाख कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि अभी भी वेटिंग लिस्टेड हैं, जिनको अभी भी एडमिशन लेना है, जो कि अभी भी सोच रहे हैं एंड फर्दर प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं कि हम आगे फिर से तैयारी करेंगे। तो क्या सारा सीन रहने वाला है, क्या प्रोसेस है, आप लोगों को क्या करना है और अब किस किस यूनिवर्सिटी के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, कंप्लीट में डिस्कस करेंगे वीडियो में, जो एंड तक जरूर बने रहेगा, स्पेशली पीजी स्टूडेंट एंड यूजी स्टूडेंट। इससे पहले आगे वीडियो से पहले आपको बता दूं कि यार जो है ऑलमोस्ट जो सीनियरियो है अभी अगर मैं जैसा कि देख रहा हूँ इंजीनियरिंग फील्ड की ओर काफ़ी सारे स्टूडेंट का जो रुझान है वो काफ़ी कम हो चुका है। बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो मेरी तरह एडमिशन लेने के बाद भी इंजीनियरिंग सेमेस्टर में दूसरे ईयर में थर्ड ईयर के अंदर इंजीनियरिंग को छोड़ देते हैं और एक नए ही बूम की ओर जा रहे हैं जो कि स्टार्टअप, जो कि आप सभी लोग अवेयर होंगे। आप सभी लोगों ने अभी शार्क टैंक देखा होगा जहाँ पे आपको दिखाया जाता है कि कैसे आप जो है डायरेक्टली मिलियन डॉलर्स की फंडिंग उतार सकते हो, अपने आइडिया को ले जा करके जो है काफ़ी अच्छा पैसा कमा लेते हो, आप लोगों की जो है पहुंच हो जाती है, आप एक फाउंडर बन जाते हो, आप एक कंपनी खड़ी कर देते हो, आपके लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं, आपका प्रोडक्ट होता है, आपका एक ब्रांडिंग होती है। सो अगर आप भी ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो हमारा एक YouTube चैनल नीचे दिया गया है द स्टार्टिस्ट, ठीक है, स्टार्टअपिस्ट, तो आप उसको जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, आप लोगों से ये दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जरूर से उसको जाके सब्सक्राइब करिए द स्टार्टअपिस्ट, राइट। तो चलिए यार आगे बढ़ते हैं, आगे का क्या सारा सीन है, एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर लूँ यार, जरूर से जाके सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और हम आप लोगों से कुछ नहीं मांगते। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप कोई भी काम करते हैं जीरो से लेके अगर आप लाखों तक जाते हैं तो आपको गुजरना पड़ता है, चाहे वो 1,000 हो, चाहे वो 2,000 हो, चाहे वो 3,000 हो, चाहे वो 4,000 हो, चाहे वो 5,000 हो, तो आप लोग इतने लोग हो, ठीक है, आई थिंक हजारों में होंगे। और आप लोगों के लिए यार 100 लोग भी अगर सब्सक्राइब ना करें तो मतलब मेरे लिए तो शर्म से मर जाना चाहिए, ऐसा सारा सीन है। तो अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो में आगे बढ़ते हैं यार, करते हैं बात अपन सेंट्रल यूनिवर्सिटियों के, स्पेशली पीजी प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट, स्पेशली इन बिहार, यूपी एंड राजस्थान, जिनका ये कहना होता है कि भैया जो स्पेशली यार आप लोगों को जो एडमिशन मिलने वाला जो एरिया है वो नॉर्थ ईस्ट के कॉलेजेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जेएफके कॉलेजेज है, क्योंकि उधर जो है काफ़ी लो मार्क्स पे एडमिशन हो जाता है। इधर अगर मैं बात करूँ दिल्ली एरिया की तो यहाँ पे जो ऑलमोस्ट सीटें हैं वो बुक हो जाती है काफ़ी जल्दी और काफ़ी ऊपर के मार्क्स पे, बिकॉज ये जो एरिया है वहाँ पे हर कोई कंफर्टेबल है, चाहे वो चेन्नई का हो, चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, हर कोई दिल्ली में रहना चाहता है, क्योंकि एक तो बीच में कैपिटल आ गया, इंडिया के बीच के अंदर है, राइट, एंड यहाँ का जो सारा सांस्कृतिक माहौल है यहाँ पे हर प्रकार के लोग रहते हैं एंड जस्ट लाइक काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटीज एंड अदर है। लेकिन अगर मैं बात करूँ जस्ट लाइक केरल की या फिर कश्मीर की या फिर उड़ीसा की या फिर शिलोंग की, तो उधर बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि जिनका ऐसा हो गया कि भाई हम जाएं। तो आप लोगों से पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को अभी करना क्या है। बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं स्पोर्ट राउंड के लिए, तो आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के स्टार्ट होने वाले स्पोर्ट राउंड, आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के खत्म हो चुके हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जो मिजोरम, त्रिपुरा, शिलोंग एंड कुछ जो नॉर्थ ईस्ट के GFTI है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही AKTU के काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेज आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही आपके स्टेट गवर्नमेंट जो कॉलेजेज है जैसे ज्योतिबा फुले हो गया, विक्रम यूनिवर्सिटी हो गया, DAV कॉलेज हो गया, ये जो कॉलेजेज हैं यहाँ पे यार जो है कोई भी यूनिवर्सिटी ये नहीं चाहती कि हमारी कोई भी सीट खाली रहे। तो आप लोगों को क्या करना है, यूनिवर्सिटियों को चुन चुन के उनके डिपार्टमेंट को ईमेल डालो, एक एक को चुन चुन के ईमेल डालो आप लोग, हो सकता है किसी ना किसी में आपका ठफा लग जाए। अभी भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यार कंपटीशन लो नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आप SC कैटेगरी, ST कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं। और अभी ऑलमोस्ट सब जगह एडमिशन क्लोजिंग पर चल रहा है, हालांकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन दिसंबर तक देखने को मिल सकता है। एंड आजकल जो सेमेस्टर है वो सिर्फ 3 महीने का होता है, डोंट वरी। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि भैया प्राइवेट कॉलेजों में अक्टूबर से क्लासेस लग रही है,
NITs, IITs में क्लासें हो चुकी है, हमारे एग्जाम कब हो गए, कब से सेशन स्टार्ट होगा, एडमिशन अभी भी चल रहे हैं। तो यार अभी ड्यू टू COVID-19 सेमेस्टर ओनली फॉर 90 डेज का होता है, 90 दिन का सेमेस्टर होता है एंड 20 से 30 दिन में एग्जाम वगैरह हो जाता है, 4 महीने में कंप्लीट हो जाता है। वो 6 महीने का हुआ करता था लेकिन अभी 3.5 महीने में कंप्लीट होता है। ये रियलिटी है इंजीनियरिंग कॉलेजों की। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्पेशली बिहार से भी काफी सारे स्टूडेंट का इंटरेस्ट आ रहा है आजकल की भैया हमको भी स्टार्टअप करना है, हमको भी बड़ा कुछ बहुत कुछ उखाड़ना है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी की सारी अपडेट मिलेगी रिगार्डिंग द स्टार्टअप्स की, कैसे यह काम करता है, कैसे फंडिंग ली जाती है, क्या IPO होता है, कैसे मार्केट काम करता है, कैसे मैनेजमेंट होता है, मार्केटिंग क्या होती है, जस्ट लाइक आइडिया कैसे, जस्ट लाइक कैसा आइडिया होना चाहिए, कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे GST नंबर लेते हैं, कैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लेते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटीज क्या होती है, इसके साथ ही लिमिटेड कंपनी क्या होती है, एंड लाइक कितने एम्प्लॉयज होना चाहिए, अकाउंटेंट क्या होता है, CA क्या होता है, एंड गवर्नमेंट का क्या सीन होता है, टैक्स क्या होता है, कैसे टैक्स लेते हैं, कैसे मार्केटिंग करते हैं, गूगल पे कैसे सेल करेंगे उसको, ठीक है, हमें इन्वेस्टर कैसे मिलेंगे, फंडिंग कैसे मिलेगी, राइट, बिलियनियर कैसे बनेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, CUET वाले हर कॉलेज में, जितने भी कॉलेज बच चुके हैं सब में अप्लाई करो, ठीक है, उनके HODs को ईमेल डालो, हो सकता है आपको रिवर्ट बैक मिले। अभी आप लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, प्राइवेट में एडमिशन लेना है, ऑलमोस्ट दिसंबर तक चलेंगे, वहाँ पे तो आप लोगों के पास ऑप्शन ओपन है, लेकिन आप गवर्नमेंट में कम ही ऑप्शन है। एंड इसके साथ ही आप हमारी टीम से डिस्कस कर सकते हो, हेल्पलाइन नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया, ठीक है, थैंक यू।